तो आज के मंडे नाइट रॉ का जो शो है डेफिनेटली काफी कमाल का शो था। शो पर काफी सारी चीजें होती है, लेकिन रॉ के एयर ऑफ होने के बाद एंट्री होती है ट्राइबल चीफ की, उनका मैच होता है। और शायद अगर मैं आपसे ये कहूँ कि रोमन और सेथ के बीच कॉन्फ्रंटेशन होती है तो सुनने में आपको थोड़ा वियर्ड लगेगा। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। और इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे आज के मंडे नाइट रॉ के ऑफ एयर के बाद हुई काफी सारी बड़ी चीजों के बारे में, क्योंकि एंट्री होती है ट्राइबल चीफ की, सेथ के साथ होती है कॉन्फ्रंटेशन, होता है रोमन रेंस का मैच और रोमन रेंस यहाँ पर मैकइंटायर के स्वॉर्ड को भी अपने हाथों में ले लेते हैं। तो जो सारी चीजें हुई आज के रॉ के एयर ऑफ होने के बाद बात होगी इस वीडियो के अंदर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो जो आज के मंडे नाइट रॉ का पूरा रिव्यू है वो भी काफी जल्दी चैनल के ऊपर आने वाला है। इस वीडियो के करीबन 1 घंटे के अंदर अंदर रॉ का रिव्यू भी आ जाएगा। और जो शो की एंडिंग है वो सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस के साथ होती है और सेथ काफी फ्रस्ट्रेट होते हैं क्योंकि आज मंडे नाइट रॉ में उनका बन जाता है पोपट। लेकिन उसके बाद होता है रॉ ऑफ एयर और वहां से एंट्री होती है ब्लड लाइन की, हमारे ट्राइबल चीफ यूनिवर्सल चैंपियन हेड ऑफ द टेबल रोमन रेंस की। और आज जो ब्लड लाइन की टी शर्ट है, जो उनकी मर्चेंडाइज है, वो रेड कलर की होती है। देख के एक अलग फीलिंग आ रही थी उन्हें। लेकिन उसके बाद जब सेथ रॉलिंस जाते बैक स्टेज के ऊपर, वहां से ब्लड लाइन की एंट्री होती है, वीडियो आप लोग देख पा रहे होंगे। और सेथ और रोमन के बीच एक और कॉन्फ्रंटेशन होती है मंडे नाइट रॉ के बाद। और यहाँ सेथ और रोमन थोड़ी बातचीत करते हैं, फिर सेथ रॉलिंस यहाँ साइड से निकल जाते हैं और रोमन रेंस और ब्लड लाइन की एंट्री होती है। लेकिन इन दोनों के बीच ये जो आप कॉन्फ्रंटेशन कह सकते हो, आगे से काफ़ी बड़ा टीज है इनके इन फ्यूचर कोई बड़े मैच के लिए। और WWE बार बार इनकी ये चीज़ें टीज कर रही है। बाय द वे इसके बाद रोमन रिंग के अंदर आते हैं और शो के ऊपर होता है 6-मैन टैग टीम एक्शन, क्योंकि ब्लड लाइन का आमना सामना होता है इस बार ड्रू मैकिंटायर एंड न्यू डे यानी कि किंग एक्सेवियर और कोफी किंगस्टन के साथ में। ये जो मैच है सही में काफ़ी कमाल का जाता है। मैच के कुछ हाईलाइट्स आप लोग देख पा रहे होंगे। मैकिंटायर की काफ़ी बुरे तरीके से कभी कभार धुलाई होती है। रोमन रेंस आते हैं एक बार मैच के बीच में और लगातार सुपरमैन पंचेस लगाते हैं, पहले किंग एक्सेवियर को, फिर कोफी किंगस्टन को और फिर ड्रू मैकिंटायर को भी। बाय द वे मैच के बीच में एक बार रोमन करते क्या है, वो मैकिंटायर को सुपरमैन पंच लगाने के बाद चढ़ जाते हैं टॉप रोप के ऊपर, आई मीन मिडल रोप पर चढ़ते हैं और जो मैकिंटायर की तलवार है वो अपने हाथों में लेते हैं और उसे ऊपर करके मैकिंटायर को टॉन्ट करते हुए नजर आते हैं। बाय द वे जो मैच की एंडिंग है वो होती है अपने मैकिंटायर के क्लेमोर के साथ में। वो लगातार सभी को एलिमिनेट करते हैं मैच से एक तरह का। और आखिरी में जे उसको पड़ती है क्लेमोर, होता है 1, 2 एंड 3 और मैकिंटायर ने अपनी टीम की तरफ से इस कमाल के 6-मैन टैग टीम मैच के अंदर जीत हासिल कर ली। और उसके बाद जो रोमन रेंस एंड पॉल है, मैंने यहाँ से हमें जाते हुए नजर आते हैं, वीडियो आप लोग देख पा रहे होंगे। और रोमन यहाँ पर काफी गुस्से में दिखाई देता है। लेकिन रॉ के एयर ऑफ होने के बाद ये कुछ चीजें होती हैं जो कि मुझे लगा जरूर आप सभी के साथ शेयर करनी चाहिए। एक तो जो रोमन और सेथ की कॉन्फ्रंटेशन है वो हर बार एक अलग फील, एक अलग वाइब देती है। अब रोमन ने तलवार उठा ली, कतई अपने महाराजा टाइप वो भी लग रहे थे। और ये कुछ चीजें जो कि शो के एयर ऑफ होने के बाद होती है। जैसे मैंने कहा जो रॉ का रिव्यू वो काफी जल्दी आने वाला है। और ये वाली वीडियो बस यही तक थी। वीडियो पसंद आई तो फटाफट से लाइक कर देना। आपके हिसाब से रोमन और सेथ की कॉन्फ्रंटेशन का क्या हो सकता है मतलब, और जो ब्लड लाइन की न्यू मर्चेंडाइज है वो लाल वाली वो कैसी लगी जरूर बताना। आज की वाली वीडियो बस यही तक थी। वीडियो पसंद फटाफट से लाइक कर देना, सॉरी ज़्यादा तेज हो गया, फटाफट से लाइक कर देना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना। मिलता हूँ आपसे आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर काफ़ी ज़्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।